अस्सलाम वालेकुम। साइमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं सफेद वाइट बिरयानी बना रही हूँ मटन की। ये एक वेज से 1.25 किलो मटन है बकरे का, और 2 आनियन ही कटे हुए, बड़ी इलायची जावेत्री, 2 छोटी इलायची, 2 चिली डालकर हूँ। इसे ऑयल गर्म होकर है, मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। 10 से 5 काली मिर्ची डाल रही हूँ। अब इसमें आनियन डाल रही हूँ। डाल कर ब्राउन कलर में होने पर इसे फैलाएंगे। ब्राउन कलर आनियन ब्राउन कलर होकर है। अब इसमें भी धनिया पाउडर, कुटी हुई काली मिर्ची, एक स्पून सौंफ, एक स्पून पुदीने क्रश करे हुए, सूखा पुदीना क्रश करके डाल रहे हैं। क्रश करके इसमें एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 डालकर इसे मिक्स करके इसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। वाटर डाल रहे हैं, इसे बहुत गर्म होती है ये, इसमें दही ऐड करना है इसलिए इसे थोड़ा इसे शांत करी हूँ। अब इसमें 1 स्पून दही डाल रहे हैं। दही डाल रहे हैं, डालकर अच्छा मिक्स करेंगे। एक स्पून ये हरी मिर्ची, 5 हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। दरदरा सा पीस कर इसका पेस्ट डाल रही हूँ। होकर है, अब इसे ये मटन के पीस धोकर वाश करके हूँ। इसे ये स्पोक से इस तरह से खच लगा कर हूँ, इस तरह से मसाला इसमें अंदर तक जाए, इसलिए अब इसमें मटन ऐड कर रही हूँ। बड़े बड़े पीस लेकर हूँ, लार्ज पीस में। ये नलिये वाला भी मटन है, आप कौन सा भी मिक्स करके डाल सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करें। मैं सॉल्ट कम ही डालती हूँ क्योंकि सॉल्ट ज्यादा नहीं खाते हैं। अब इसे गोश्त अपने कुकर के हिसाब से गोश्त मटन गलने तक इसे पकाएंगे। मिक्स करके इसमें जो जार में चिली पीसे थे हरी मिर्ची, उसी में मिर्ची अब थोड़ा दही, अब 1 स्पून दही डालकर इसमें डाल रही हूँ। डाल के लीड मूंछ कर इसे पकने देंगे। इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ 1 कप, दही भी डाली हूँ, मिल्क भी ऐड कर रही हूँ। अब इसे लीड लगाकर पकने देंगे। ये 5 विशल तक मैं पकने दूंगी। अपने कुकर के हिसाब से आप लेट लगाकर चावल बॉईल करने के लिए 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 काली मिर्ची, 5 लौंग, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा डाल रही हूँ। इसमें 1 जावित्री का छोटा सा फूल डाल रही हूँ। अब इसमें वाटर डाल रही हूँ। वाटर डालकर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ। इसमें डालकर ये 600 ग्राम बासमती राइस धोकर भिगाने डाल भिगा कर हूँ। अब इसमें सॉल्ट ऐड करके गोश्त गलने तक ये पानी भी गर्म हो जाएगा चावल बॉईल करने के लिए। इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल रही हूँ। अब इसे पानी उबलने देंगे, कुकर ठंडा होने पर चावल राइस ऐड करेंगे। इसमें चावल डाल रही हूँ, पानी उबल रहा है। ये 600 ग्राम बासमती राइस है।
1 आवर तक भिगाकर हूँ ये। लेमन जूस तल रही हूँ, अब थोड़ा इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। ये पककर है, गोश्त सॉफ्ट होकर है, इसकी तरी काढ़ी हूँ ऊपर से। अब इसमें क्रीम ऐड करेंगे। एक कटोरी क्रीम इसमें मैं 2 स्पून क्रीम डाल रही हूँ। दूध भी ऐड, मिल्क भी ऐड कर हूँ, ऐसा डाल कर 2 स्पून क्रीम भी डाल रही हूँ। दाल को मिक्स करके थोड़ा चावल में बॉईल आने तक इसे थोड़ा पकाएंगे। अब ये पक रहा है, अब इसमें राइस 50% में उबाल कर हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ी ये तरी टाइप है और वाटर भी है, भी मिल्क क्रीम ऐड करने से। अब इसमें ऐड कर रही हूँ, मैं कुकर में बना रही हूँ झटपट बनाने के लिए। आप भी कुकर में बना सकते हैं, बहुत इजी है। इसमें राइस ऐड करके देखो, अब इसमें दम को छोड़ रही हूँ। एक ग्रेवी पतली थी इसलिए मैं 50% चावल उबाली हूँ। आप ग्रेवी थोड़ी पतली रही तो 50% डालना, नहीं तो 60% ये चावल राइस बॉइल कर लेना। अब ये तरी इसमें साइड में डाल रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनेगी, वाइट बिरयानी, सफेद बिरयानी है। अब इसका 5 मिनट या 6 या 7 मिनट इसे दम पर छोड़ेंगे लेट लगाकर। देखो बिरयानी डन होकर है, कितना खिला खिला रही सही है। ये वाइट बिरयानी है, ये रेसिपी अच्छी, बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार बनती है। इस तरह से आप बनाकर देखें, चावल देखो कितना खिला खिला है। पीसेस इसके लार्ज ही मैं कुकर में बनाई हूँ, आप भी कुकर में बना सकती या छतल में भी बना सकती, अपनी अपनी चॉइस है। इसमें ना मैं हरिया धनिया ऐड करी हूँ, ना कोई दूसरी मसाले ऐड करी हूँ, सिर्फ क्रीम, दूध, दही और मिल्क ऐड करी हूँ। इसी तरह से बना कर दें बच्चों को, बहुत मज़ेदार तरह से बनाई। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।